लाइट लाइट लाइट, प्रकाश प्रकाश प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश के नियम क्या होते हैं? प्रकाश के गुणधर्म क्या होते हैं? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, दर्पण के प्रकार, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, कोई चीज़ काली क्यों दिखाई देती है, कोई चीज़ सफ़ेद क्यों दिखाई देती है जबकि ऐसा कोई कलर नहीं होता, ये सारी चीज़ें हमने पिछले दो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। ठीक, इस लेक्चर में, ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 लाइट है चैप्टर। ठीक है, प्रकाश चैप्टर लाइट। तो हमने लाइट देखा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा, उसके बाद टाइप्स ऑफ मिरर उसको देखे, कौन के कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, अब हम देखेंगे इमेज के प्रकार, इमेज के प्रकार और इमेज बनता कैसे है, प्रतिबिंब के प्रकार और प्रतिबिंब बनता कैसे है, ये आपको बताऊंगा। आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता कैसे ये तक आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि प्लेन, प्लेन सरफेस से, समतल दर्पण से, प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और उस पर इमेज मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में और चीज़ों को एकदम फील करेंगे। ठीक, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस, गणित और विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। तो बस एक मिनट पानी पी लूँ, उसके बाद तो फिर लेक्चर ही लेक्चर होंगे। ठीक है, मैथ इज मोहब्बत, साइंस इज मोहब्बत। ठीक, अगर आपने पिछला दो वीडियो नहीं देखा, पिछले दो लेक्चर नहीं देखे, तो पहले उसको देखिए, पहले पिछला दो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। ठीक, पिछले दो लेक्चर में हमने बहुत सारे चीज़ें डिस्कस की एकदम डिटेल में, छोटी छोटी चीज़ें। ठीक, उसके बाद ये तीसरा लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक, तो लाइट, ठीक, सबसे पहले देखेंगे आप प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ इमेज। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, सबसे पहले देखेंगे, हेडिंग लगा लो, ठीक, साथ साथ नोट्स बनाते जाना। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज, इमेजेस। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार, प्रति बिंब के प्रकार। ठीक है, प्रतिबिंब के प्रकार, ओके। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, इसके बाद चर्चा करेंगे प्रतिबिंब बनता कैसे। ठीक है, एक बार ये सुन लो, उसके बाद तो तुम्हें सब चीज़ें फील हो जाएंगी। ठीक, तो प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, इमेज कितने प्रकार के होते हैं, तो इमेज दो प्रकार के होते हैं, जैसे गोली दर्पण, जैसे स्फेरिकल मिरर, आगे भी चर्चा करेंगे, पहले भी चर्चा कर दिया है, दो प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। वैसे ही प्रतिबिंब इमेज भी दो प्रकार के होते हैं, एक रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है वर्चुअल इमेज आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे देयर आर, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इमेजेस। ठीक है, कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, देखो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, देखो नंबर एक होता है रियल इमेज, जिसको होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब। और नंबर दो ये होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सारी चर्चा करूँगा मैं, पहले एक बार सुन लो। ठीक है, एक होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक, अब देखो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है,
वो हमेशा होता है उल्टा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो होता है हमेशा उल्टा, ठीक है, मतलब कि इन्वर्टेड, क्या होता है इन्वर्टेड, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो होता है इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, ठीक है, क्या होता है मतलब कि उल्टा होता है, क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है। और दूसरा, इसको स्क्रीन पर ले सकते हैं, स्क्रीन बोले तो अभी समझाऊँ, सब समझा एक बार लिख देता हूँ पॉइंट, उसके बाद तो समझाना ही समझाना है, ठीक है। इसको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी लिख देता हूँ, ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, या स्क्रीन मतलब कि आप सिनेमा हॉल में गए होंगे, ठीक है, आप सिनेमा हॉल पे गए होंगे तो आपने पिक्चर देखी होगी, तो वो पिक्चर किस पे होती है, एक पर्दे पे होती है, इसको पर्दे पे लिया जाता है, वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। देखो पीछे लगा रहता है मशीन, उससे क्या होती है, एक प्रकाश निकलती है, प्रकाश मतलब बहुत सारी प्रकाश निकलती है, और उसको स्क्रीन पर ले सकते हो, वो होता है आप वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, उसको आप टच कर सकते हो। अगर आप पर्दे पे जाके ऐसे टच करोगे तो आपके हाथ पे लाइट आएगी, ठीक है, पीछे से जो लाइट आती है वो आपके हाथ पे आएगी, उसको बोलते हैं रियल इमेज, ठीक है, इसको पर्दे पे ले सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, इसको पर्दे पे ले सकते हैं, ठीक। और यह हमेशा उल्टा होता है, उल्टा क्या होता है उल्टा बोले तो इन्वर्टेड। अगर आप रियल इमेज आपको लेना है तो देखो यह हमेशा क्या होगा, उल्टा होगा। अगर आप, आपको आगे समझा दूंगा, जब अभी दर्पण पढ़ाऊंगा आपको आगे समझा दूंगा, ठीक है। और जो ये होता है, ये वाला, ये हमेशा सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा इरेक्ट होता है, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज इरेक्ट, क्या होता है हमेशा सीधा होता है, ठीक है, इट इज ऑलवेज इरेक्ट। और इसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, ठीक है, इसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। इट कैन नॉट बी इरेक्ट, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सीधा, ठीक है। इट कैन डू नॉट ऑब्टेंड ऑन स्क्रीन, ठीक है, इसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। आपको बता रहा हूँ कैसे, आप देखो, आप फर्क समझो, जो रियल इमेज होता है वो आप सिनेमा घर में जाते हो तो पर्दे पे जो इमेज बनती है, जो फोटो बनता है, जो वीडियो चलता है, वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, उसको आप छू सकते हो, ऐसे टच कर सकते हो, ठीक है, तो वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। लेकिन जब आप शीशे के सामने देखते हो, आपके घर में जो शीशा होगा, ठीक है, जो दर्पण होगा, अगर आप उसमें अपना चेहरा देखोगे तो वो दर्पण के अंदर बनता है, वो दर्पण के पीछे बनता है, क्या आप उसे टच कर सकते हो? आप उसे टच नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब, बोले तो वर्चुअल इमेज। तो जो आपके घर में, जो मिरर है, दर्पण है, उसमें जो आपका प्रतिबिंब इमेज बनता है वो होता है आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। और जो स्क्रीन सिनेमा हॉल पर जो पिक्चर लगा हुआ होता है वो होता है क्या, रियल इमेज, उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है वास्तविक और आभासी में, ठीक है, रियल और वर्चुअल में, ठीक। एक बार इसको उतार दो, उसके बाद आपको अभी सारा खेल, सारा मामला समझ में आ जाएगा। ये तो आपको बस बोर्ड के लिए लिखा रहा हूँ, बाकी समझने के लिए तो बहुत कुछ समझना है अपने को, ठीक है। इसको लिखो, जल्दी लिखो, लिखिए, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम देखेंगे कि इमेज बनता कैसे है, इमेज कैसे बनता है। अगर आपसे पूछूं कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, आपके बोर्ड में नहीं है, एक्चुअली ये 12 और अब पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको 10 में भी इसको पढ़ाना चाहिए, लेकिन लोग पढ़ाते नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन सबको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। इमेज कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, ये है कि आप भी क्वेश्चन निकालना नोट में, कि इमेज प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है।
है, ठीक है, बताओ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है और आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसके बारे में एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन मेरा ये है, ये ठीक, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। अब सोचो कि इमेज बनता है, ठीक है, कैसे बनता है, ठीक, और वास्तविक कब बनता है, उल्टा कब बनता है, ठीक है। तो देखो देखो, एक दर्पण ले रहा हूँ, ठीक, दर्पण कौन सा ले लूँ, मैं दर्पण लेता हूँ, आपको दो दर्पण पढ़ाया मैंने, ठीक है, आपको मैंने दो दर्पण पढ़ाया है, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, क्या पढ़ाया है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ाया ना आपको, वही ले लेता हूँ, ठीक है। आगे चल के इसके बारे में और चर्चा, ये इसी पे पूरा चैप्टर ही बेस्ड है, इस पे ही पूरा चैप्टर है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण, यही हमें पढ़ना है, तो इसको ही लेके बताता हूँ, ठीक, बता तो बहुत सारे सकता हूँ, ठीक। तो देखो ये दो, देखो क्वेश्चन है कि इमेज बनता कैसे है, ठीक है, ये हो गया अपना, अगर इसके पीछे ऐसे पॉलिश कर दूँ, ठीक है, पॉलिश कर दूँ, ठीक, ये हो गया अपना अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण, अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉनकेव, क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव, केव मतलब होता है गुफा, केव मतलब क्या होता है, गुफा, ये देखो गुफा जैसा है, ये गुफा जैसा है, ठीक है, ऐसे अगर मुझे अपना चेहरा देखना पड़ेगा तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा इसमें अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव, केव मतलब गुफा, अवतल, अवतल, अव मतलब अंदर, तल मतलब सरफेस, जिसका सरफेस अंदर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका सरफेस अंदर हो, अवतल जिसका सरफेस कहाँ हो, अंदर हो, ठीक है, दबा हुआ, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक, कॉनकेव मिरर, ओके। और देखो एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, अगर इसके अंदर ऐसे सिल्वरिश कर दूँ, ठीक है, सिल्वरिश कर दूँ मैं, ठीक, सिल्वरिश कर दूँ, तो इसका बाहर वाला तल क्या हो जाएगा, चमकदार, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण, बोले तो कॉनवेक्स, बोले तो कौन, कॉनवेक्स मिरर, ठीक है, कॉनवेक्स मिरर। अब देखो अगर इसमें मेरा चेहरा देखना पड़ेगा तो जहाँ पॉलिश है वहाँ तो देखूंगा नहीं, तो कैसे देखूंगा, ऐसे ऐसे देखना पड़ेगा मुझे ऐसे, ठीक है, उत्तल, उत्तल मतलब बाहर, ऐसा दर्पण जिसका तल बाहर की ओर उभरा हो, उत्तल, उत्तल मतलब आगे की तरफ, जिसका तल आगे की तरफ हो उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, और जिसका तल अंदर की तरफ हो, अवतल, अंदर की तरफ, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक। आप समझो इमेज कैसे बनता है, तो देखो मान लो एक यहाँ से लाइट आई, यहाँ पड़ी, ठीक, एक लाइट आई यहाँ पड़ी, अब देखो ये तल ऐसे है, देखो ऐसे है ना, ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे है, ऐसे तो टकरा के ऐसे निकल जाएगी, सीधा आई टकरा के ऐसे निकल गई, ठीक है, तो ऐसे आए तो टकरा के कहाँ निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक, ऐसे निकल जाएगी, इसको बोलते हैं आपतित किरण, कौन सा किरण, आपतित, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण, जिसको बोलते हैं इंसिडेंस रे, क्या बोलते हैं, इंसिडेंस रे, जिसको बोलते हैं आई आर, क्या बोलते हैं, आई आई आर, आपको बता चुका हूँ अगले लेक्चर में, इससे पहले वाले, ठीक है, इसको बोलते हैं आई आर, आई आर मतलब इंसिडेंस रे, ठीक है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर आर, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अच्छा अब मैं कर ये रहा हूँ कि देखो इसको मैं थोड़ा एक मिनट के लिए दूसरी जगह लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आर आर, आर आर मतलब रिफ्लेक्टेड रे, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक। अब देखो एक लाइन, एक लाइन में यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो देखो इसका तल ऐसे है ना, ऐसे, तो ऐसे आया, आ तो ऐसे रहा है,
ठीक है, आ तो सीधा रहा है, लेकिन इसका तल ऐसे है तो टकरा के कहाँ जाएगा, ऊपर। देखो ये ऐसे था तो टकरा के नीचे आया, ये ऐसे तो टकरा के ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ऊपर। तो ये देखो ये गया ऊपर, ठीक ऊपर गया। अब देखो दो किरणों को ध्यान दो, इमेज बनता कैसे ये आप, हेलो ये आपको बता रहा हूँ कि इमेज बनता कैसे है, ठीक कोई नहीं बताएगा। ठीक देखो एक किरण इधर से आई फिर वापस चली गई दूसरी दिशा में, फिर सीधा आया फिर दूसरी दिशा में। देखो दोनों किरण, दोनों किरण परावर्तित होने के बाद, दोनों किरण देखो किरण तो आई उसके बाद तल से टकरा कर, दर्पण से टकरा कर परावर्तित होने के बाद जहाँ जाकर मिलती है, जहाँ जाकर मिलती है थोड़ा ठीक है ठीक। तो जब किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस जगह पे जाकर मिलती है उसको, वहाँ बनता है प्रतिबिंब, वहाँ बनता है प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद जिस जगह पे जाके बनती हैं, जिस जगह पे जाके मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। वहाँ बनता है प्रतिबिंब, वहाँ क्या बनता है, वहाँ बनता है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब बनेगा कैसा, वास्तविक की उल्टा, अरे वास्तविक की आभासी, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, ठीक ये आपको समझना है। तो देखो जब प्रकाश की किरणें आई तो दर्पण से परावर्तित होने के बाद, रिफ्लेक्टेड होने के बाद एक्चुअल में देखो यहाँ मिल रही है, वास्तव में क्या हो रही है, मिल रही हैं, वास्तव में मिल रही हैं, यहाँ लिख देता हूँ ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वास्तव में मिल रही है, ठीक है वास्तव में मिल रही हैं। जब वास्तव में मिलती हैं तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब ठीक है, रियल इमेजेस ठीक। तो यहाँ पे बनेगा इमेज, लिख देता हूँ आई ठीक है, रियल इमेज IR, इमेज कैसा है, रियल है IR मतलब ओहो IR। चलो ये तो ये हो जाएगा, इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दिया। देखो ये जो बिंदु है ना, यहाँ बनेगा प्रतिबिंब, और कैसा प्रतिबिंब बनेगा, दर्पण से टकरा कर वापस जब आने तो कहीं पे मिल रही हैं, अगर वास्तव में कहीं पे मिल रही हैं तो जो कटान बिंदु है वो ही बिंदु कहलाता है इमेज, वही बिंदु कहलाता है प्रतिबिंब ठीक है। तो ये बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब ठीक है। अब देखते हैं उत्तल दर्पण में, ठीक है उत्तल दर्पण में क्या होता है। तो देखो हो ऐसा रहा है कि अगर मैं यहाँ पे एक किरण ऐसे आ रही है सीधा, ठीक है इसका है, ये है इंसिडेंस रे आपतित किरण ठीक है। तो देखो ऐसे है ना, ऐसे आई, देखो इसका तल ऐसे था तो नीचे गई, इसका तल ऐसे था तो यहाँ गया ऊपर। देखो इसका तल ऊपर है, कहाँ है ऊपर, ऐसे तो कहाँ जाएगा, ये टकरा कर ऐसे चला जाएगा ठीक है, ऐसे। ये है रिफ्लेक्टेड रे RR ठीक है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब एक किरण ऐसे गया ठीक, देखो ये ऐसे तल है ना तो टकरा कर कहाँ आएगी, ऐसे आएगी ठीक है, ऐसे आएगी। तो ये हो गया इंसिडेंस रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो यहाँ पे दोनों की, देखो ध्यान से एकदम कंसंट्रेट होकर सुन लो, जीवन में लाइफ में कभी नहीं भूलोगे ठीक है। तो यहाँ से जब दो किरणें गई आ रही थी तो जैसे ही दर्पण से टकराई, एक ऐसे आई एक ऐसे आई, और दोनों एक जगह काट दिए, एक जगह मिले, और जहाँ मिले वहाँ पे बना वास्तविक प्रतिबिंब ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, जब प्रकाश की किरणें ठीक है, जब लाइट रे किसी दर्पण से परावर्तित होने के बाद किसी मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ कहीं भी मीट करती हैं, मीट मतलब मिलती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ बनता है वास्तविक प्रतिबिंब ठीक है। आभासी प्रतिबिंब, रियल वर्चुअल इमेज समझ रहे हैं हम ठीक है। तो देखो ये किरण आई यहाँ चली गई ठीक है, यहाँ चली गई, ये किरण ऐसे आई नीचे चली गई। देखो ये परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण, क्या ये कभी मिलेंगे,
देखो एक तो ऐसे चली गई, एक तो ऐसे, क्या ये कभी मिलेंगे? कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। तो एक काम हम ऐसे करेंगे कि इसको थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और इसको ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पे, देखो वास्तव में नहीं मिल रही हैं, एकदम ध्यान से सुनना। देखो उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में जब किरण ऐसे आ रही है तो परावर्तित होने के बाद एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, ये कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ तो मिल गई थी, ऐसे जाके मिल गई थी, ये क्या हो रहा है, ये ऐसे जाके मिल रही है, जब मिली तो वास्तविक प्रतिबिंब बना। यहाँ मिल नहीं रही, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, ये कभी भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ, इसको पीछे ऐसा एक्सटेंड करता हूँ, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिलेंगे। ये क्या है, ये वास्तव में थोड़ी है, ये तो मैंने इमेजिन किया है। इमेजिन क्या है कि एक लाइन ऐसे पीछे शायद जा रही होगी, इमेजिन कर रहा हूँ, ठीक है, इमेजिन कर रहा हूँ। ये भी इसको इससे पीछे एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पे मिल रही हैं, लेकिन वास्तव में नहीं मिल रही हैं। जब वास्तव में नहीं मिल रही हैं तो वहाँ बनेगा आभासी प्रतिबिंब। क्या बनेगा? आभासी प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आभासी, कौन सा प्रतिबिंब? आभासी, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब, जिसको बोलते हैं वर्चुअल, वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज ऐसे बनता है, ठीक है। एक बार और आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। इमेज, अच्छा इमेज होता क्या है, सबसे पहले इमेज क्या होता है, सबसे पहले लिखो इमेज। इमेज जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई लाइट रे किसी दर्पण से, किसी मिरर से टकराकर जब रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है, तो परावर्तित होने के बाद प्रकाश की किरण जिस जगह पे, जिस प्लेस पर, जहाँ कहीं भी मीट करती हैं, वहाँ बनता है इमेज, वहाँ बनता है इमेज। अगर वास्तव में कहीं मिलेगी, वास्तव रियल में कहीं मिलेगी, एक दूसरे को काटेगी, तो वहाँ बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, वहाँ बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और देखो ये वास्तव में नहीं काट रहे हैं, देखो ये ऐसे जा रहा है, देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये ऐसे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, ऐसे जाके मिल रहे थे, लेकिन ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, तो ये कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही इसको पीछे इमेजिन लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ पीछे ऐसा लगता है कि मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा लगता है मिल जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। वास्तव में नहीं मिल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। और पिछले लिखा चुका हूँ पिछले में कि जब वास्तविक प्रतिबिंब हो तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब हो तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ठीक है। और इसको स्क्रीन पर पर्दे पर ले सकते हैं, जब वास्तव में नहीं मिल रहा हो, आभासी प्रतिबिंब हो, तो वो होता है सीधा। देखो वास्तविक प्रतिबिंब के साथ उल्टा फ्री, और आभासी प्रतिबिंब के साथ सीधा फ्री, बस ये समझना है। जब भी आभासी होगा तो प्रतिबिंब सीधा होगा, कैसे होगा आगे आपको खुद का खुद पता चल जाएगा, ठीक। जब जब आभासी प्रतिबिंब होगा तो इमेज सीधा होगा, और उसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते। कैसे नहीं ले सकते, क्योंकि आप अगर आप अपने घर में ऐसे देखो, शीशे में, चलो मोबाइल में देखो, अच्छा आप बताओ क्या आप मुझे टच कर पा रहे हो, टच कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखो आप शीशे में अपना चेहरा देखो, क्या आप उसे छुपाओगे? नहीं छुपाओगे, इसलिए वो आभासी प्रतिबिंब है। क्या है, दर्पण के पीछे बन रहा है, ये देखो दर्पण के पीछे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, ये देखो दर्पण के, ये दर्पण है, ये दर्पण है, ये आगे का हिस्सा, ये पीछे बन रहा है। और शीशे में जो घर में शीशा है उसमें भी क्या बनता है, पीछे बनता है, तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। ये देखो ये दर्पण के आगे बन रहा है, देखो ऐसे ऐसे मुंह देखोगे तो ये दर्पण के आगे बन रहा है, और आगे हमेशा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक। इसको एकदम अच्छे से नोट करो, एकदम बढ़िया से। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब बनता कैसे, रियल और वर्चुअल इमेज बनता कैसे, ठीक है, इसको नोट करो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अब से चालू होने वाला है, जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब का बनना।
समतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में कोई प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसका नेचर प्रकृति क्या होता है, अवतल दर्पण में कोई प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ बनता है, उसकी प्रतिबिंब कैसी बनती है, छोटा बढ़ेगा, बना बढ़ेगा, बड़ा बनेगा, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। किसी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, लिख लो, हेडिंग डालो, किसी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, किसी समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर किसी समतल दर्पण के द्वारा या में बनना। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना यहाँ पे लिख देता हूँ, इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर तो स्टार लगा देता हूँ, एक दो, ठीक है, दो स्टार है, ओके। तो कितने लोग को मालूम है, आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में केवल है स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण, और उसमें भी दो प्रकार के, एक कॉन्वेक्स उत्तल, एक कोण के अवतल। ठीक है, उसको भी डिटेल में करेंगे। ठीक, सबसे पहले ये देखेंगे, तो देखो होगा क्या, अगर मेरे पास एक समतल दर्पण है, ये समझ लो है समतल दर्पण, कौन सा दर्पण, समतल। ठीक है, मान लो, ठीक है, क्या है, समतल दर्पण। ठीक, समतल दर्पण मतलब समझते हो, समतल, चपटा, एकदम चपटा, जैसे ये बोर्ड, ये वाइट बोर्ड एक समतल हो सकता है, दर्पण भी है, क्योंकि इससे देखो आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें कुछ कुछ चीज़ें जैसे लाइट दिख रही हैं, थोड़ा बहुत दीवार दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, ये भी एक प्रकार की दर्पण है। ठीक, तो दर्पण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बस कांच का हो, हर चीज़ का हो सकता है, लेकिन कांच एक अच्छा दर्पण होता है, एक बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो पहले कुछ बातें समझ लो, उसके बाद देखेंगे। ठीक, देखो अगर समतल दर्पण में ऐसे सीधा लाइट आएगी, ऐसे सीधी लाइट आई तो सीधा वापस चली जाएगी टकरा कर, परावर्तन होगा, लेकिन अगर ऐसे सीधे आई तो वापस चली जाएगी, ऐसे लाइट आई तो वापस चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, अगर लाइट ऐसे आएगी तो नीचे से ऐसे जाएगी, कैसे जाएगी आपको आगे बता दूंगा। ठीक, तो समझ लो कि अगर एकदम सीधा आई तो वापस ऐसे निकल जाएगी, लेकिन ऐसे आई तो जिस एंगल पे आएगी उस एंगल पे निकल जाएगी। ठीक, तो इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो आगे देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, देखो मान लो ये क्या है, ये है समतल दर्पण, कौन सा दर्पण, समतल, ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण। ठीक, अब इसको पीछे से ऐसे मैंने पेंट कर दिया, क्या क्या पॉलिश कर दिया, ताकि आगे से चमकदार हो जाए। ठीक है, पीछे से क्या कर दिया, ऐसे पॉलिश कर दिया। ठीक, पॉलिश कर दिया। अब मैं ये कर रहा हूँ कि इसके आगे एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इतना बड़ा है। ठीक, अब अगर ऐसे एक लाइट आ रही है, ठीक है, ऐसे एक लाइट आई, तो आपको बताया था कि देखो ऐसे सीधा, अगर सीधा लाइट आ रही है तो वापस क्या होगी, चली जाएगी। अगर लाइट एकदम सीधा आ रही है, सीधा, ठीक है, तो वापस चली जाएगी, तो ये क्या होगा, ऐसे वापस क्या होगा, ऐसे वापस
चली जाएगी, ठीक, ऐसे वापस चली जाएगी, ठीक। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक। अगर ऐसे आई तो वापस, अगर एकदम सीधा मारोगे तो वापस चली आएगी, ठीक है। अब एक लाइट ले रहा हूँ यहाँ से, एक लाइट ले रहा हूँ यहाँ से, ठीक। देखो जितने एंगल पे आई उतने, देखो यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर डालूँ ऐसे लंब, ठीक है, अगर ये जितना डिग्री है, ठीक है, कोण आई, तो उतने ही डिग्री पे ऐसे क्या होगा, निकल जाएगा, उतने ही डिग्री पे ऐसे क्या होगा, लाइट परावर्तित होके रिफ्लेक्ट होके निकल जाएगी, और ये वाला होगा कोण आर, ठीक है, और ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर, ठीक। तो देखो एक लाइट तो ऐसे आई, ठीक, समझो बात को, एक लाइट एकदम सीधा आया, समतल दर्पण पर चपटा है, एकदम सीधा आया और सीधा निकल गया, ये परावर्तित किरण। एक किरण ऐसे आई और ऐसे निकल गई, ये भी परावर्तित किरण। क्या ये किरण, देखो क्या ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण कभी आपस में मिलेंगी, क्या ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कभी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, ये दोनों आपस में नहीं मिलेंगी, ये सीधा जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, ठीक, नहीं मिलेंगी। लेकिन मिलेंगी कब, जब इसको ऐसा पीछे काल्पनिक एक इमेजिनरी लाइन बढ़ाऊँ ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे बढ़ाऊँ, इसको आगे ऐसे बढ़ाऊँ, ऐसे बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिल रही हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो रही है, मिल रही है ना, तो यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। और देखो और एक काम कर रहा हूँ कि एक रेखा यहाँ से निकाल रहा हूँ, एक लाइन यहाँ से, ठीक, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से। तो देखो अगर सीधा गया, ठीक है, देखो ये वो है, ये है इंसिडेंस रे, ठीक है, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ऐसे सीधा जा रहा है तो सीधा जा रहा है, ये भी क्या हो गया, ऐसे सीधा गया, ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ इंसिडेंस रे, ठीक है, और ये है रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, ये सीधा गया और सीधा गया। लेकिन देखो ये दोनों भी आपस में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक, और इसको ऐसे कर रहा हूँ, ठीक, तो ये क्या बना, ये बना ये वाला, ठीक, ये बना इमेज। अब सुनो, एक बार फिर बता रहा हूँ, उसके बाद लिखूँगा नेचर, आपको सारा चीज़, आपको सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि इमेज कैसे बनता है, रियल कैसे बनता है, ठीक है, और वर्चुअल कैसे बनता है, मतलब वास्तविक कैसे बनता है, आभासी कैसे बनता है, उल्टा कैसे बनता है, सीधा कैसे बनता है, सेम साइज़ का कैसे बनता है, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, सारी चीज़ें आपको एकदम मक्खन हो जाएंगी, ठीक। तो पहले सुन लो, देखो हुआ क्या, एक समतल दर्पण में अगर कोई चीज़ ऐसे रेखा आएगी, तो अगर सीधी रेखा आई तो वो वापस चली जाएगी, अगर ऐसे सीधी आई तो सीधी चली जाएगी, ठीक है। तो देखो ये समतल दर्पण है, यहाँ से एक लाइट ऐसे गया, ऐसे वापस टकराई, टू दे, फिर वापस चली गई, फिर ऐसे गई, फिर ठक दे, टकराई, फिर वापस चली गई, तो ये दोनों तो कभी नहीं मिलेंगी। चलो एक रेखा यहाँ से गया ऐसे ठक, फिर ऐसे चला गया, ठीक है, क्योंकि जितना आई उतना आर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण, ये चीज़ें आपस में, ये कहीं पे मीट करेंगी, ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं पे मीट नहीं करेंगे। लेकिन देखो, ठीक, देखो एक मिनट, देखो अगर इसको मैं पीछे बढ़ाऊँ ऐसे, और मैं इसको, ये जो रिफ्लेक्टेड रे, इसको मैं यहाँ से ऐसे पीछे बढ़ाऊँ ऐसे 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 करके, ठीक है, तो अगर ऐसे पीछे बढ़ाऊँ तो यहाँ पे मीट करेंगी, और यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक क्यों नहीं बना, क्योंकि वास्तव में थोड़ी मिल रही है इसको, तो काल्पनिक रेखा एक पीछे आगे, एक इमेजिनरी लाइन ऐसे पीछे बढ़ा रहा हूँ तो आगे पीछे जाके काट रहा है, और देखो दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे जब भी बनेगा तब बनेगा वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी प्रतिबिंब बोले तो वर्चुअल इमेज, ठीक। अच्छा कितना बड़ा बनेगा भाई, जितना बड़ा ये, अगर ऐसे बढ़ाऊँ आगे तो जितना बड़ा ये है, ठीक है, तो साइज सेम,
ठीक है। और देखो जितना दूरी है उतना दूरी है, जितना दूरी आप ऐसे खड़ा रहोगे उतना देरी पीछे आपका इमेज बनेगा, ठीक है। अगर एक समतल दर्पण आपके घर में, एक समतल दर्पण अगर होगा, अगर आपके घर में एक कांच होगी, कांच, तो आप देखेंगे कि उसके सामने ऐसे खड़े हो जाओ, उसके सामने ऐसे खड़े हो जाओ, जितना उसके पास, जितना आप जितना दर्पण के पास, मिरर के पास जाओगे, आपका जो पीछे प्रतिबिंब बनता है, जो आभासी है, देखो प्रतिबिंब समतल, आपके घर में नॉर्मली क्या होता है, समतल दर्पण ही होता है, तो आपका प्रतिबिंब पीछे ही, तो दर्पण के पीछे ही तो बनता है, बाहर थोड़ी बनता है। आप सामने ऐसे खड़े होते हो तो दर्पण के पीछे बनता है, और जितने दर्पण से जितना दूर आप होगे उतने ही दूर पीछे आपका प्रतिबिंब होगा। अब जैसे आगे जाओ प्रतिबिंब भी आगे आएगा, और आगे जाओ और प्रतिबिंब आगे जाएगा, ऐसे 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 दर्पण को ऐसे टच कर लो, आपका प्रतिबिंब भी पीछे से ऐसे टच कर लेगा। जितनी दूरी, देखो जितनी दूरी आप जाओगे आपका प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी जाएगा, समझ रहे हो। तो वो होता है समतल दर्पण, और समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। और जितना बड़ा आप दिखोगे उतना बड़ा वो भी दिखेगा, जितना दूर दूर जाके छोटा दिखोगे उतना वो भी दूर जाके छोटा दिखेगा, तो साइज भी सेम होता है। और समान डिस्टेंस पे बनता ही होता है प्रकृति, कि सेम साइज का बनता है पहली प्रकृति, और दूरी समान होती है, ठीक है। ये समतल दर्पण है तो जितना दूर आप खड़े होंगे उतना दूर आपका प्रतिबिंब होगा, तो ये भी क्या है, एक प्रकृति है। और सीधा बनता है, आप ऐसे खड़े हो तो आपका पैर ऊपर थोड़ी आ जाता है, आपका चेहरा ही तो ऊपर रहता है, तो जैसे आप खड़े हो वैसे भी खड़ा है, वो होता है सीधा, इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ नेचर, यहाँ पे लिख देता हूँ नेचर, क्या लिखता हूँ, नेचर मतलब प्रकृति, प्रकृति, ठीक है, नेचर। नंबर एक, नंबर एक, सेम साइज, सेम साइज का बनता है, ठीक है, लिख देता हूँ सेम, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज, दैट एज, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज किसका बनता है, इमेज का बनता है। यहाँ पे लिखता हूँ समान आकार, समान आकार, ठीक है, समान आकार, समान आकार का बनता है, ठीक है, सेम साइज का बनता है, ठीक। आई होप आपको दिख रहा होगा कि जितना बड़ा ये तितना बड़ा ये, ओके। और नंबर टू, दूरी सेम होती है, अच्छा सीधा होता है, देखो ये भी यहाँ पे मिल रहा है ना, तो इसका सिर यहाँ पे, अगर इसका सिर ऊपर है तो इसका भी सिर ऊपर ही है, ठीक है, यहाँ पे मिल रहा है तो इसका सिर ऊपर, तो इसका भी सिर ऊपर, मतलब कि इरेक्ट, कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा, सीधा प्रतिबिंब, इरेक्ट इमेज, ठीक है। और दूरी सेम होती है, दर्पण से जितना दूर आप होंगे दर्पण से उतना दूर आपका इमेज होगा, ठीक है। तो तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा है समान दूरी, समान दूरी पर बनता है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, दर्पण से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट उतनी ही दूरी से, दर्पण से उतनी ही दूरी पर क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, ठीक। आई होप आप समझ रहे होंगे। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे अच्छी प्रकृति, अच्छी क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, आपको अभी बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, समझना इस बात को, लिटरली, लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, ठीक है, लिटरली इन्वर्टेड, इसका मतलब है कि आप ना, अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप करना क्या, कि आप अपने दर्पण के सामने खड़े हो जाना घर पे, आप अपने घर के, आपके घर में जो आपका कांच का शीशा है, दर्पण है, मिरर है, उसके सामने ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक। अगर आप अपना दायां हाथ उठाओगे तो दर्पण में क्या होगा कि वो बायां हाथ उठाएगा, उठाएगा तो दायां, लेकिन आपको लगेगा यार ये तो ये वाला उठा रहा है, अब देख लेना। अब अगर आप अपना दायां आँख बंद करोगे तो बायां आँख बंद करेगा, ठीक है। अगर आप दायां हाथ उठाओगे तो बायां हाथ उठाएगा, अगर आप दायां आँख बंद करोगे तो बायां आँख बंद करेगा। आप अभी जाकर, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद आप जाना और देख लेना, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं ये उठा रहा हूँ वो उठा रहा है, मैं ये आँख बंद कर रहा हूँ वो ये वाला आँख बंद कर रहा है,
अब एग्जांपल दूं, जैसे एम्बुलेंस, एम्बुलेंस में आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जो होता है उस पर उल्टा एम्बुलेंस भी लिखा होता है, जो कि आपको कांच में कैसा दिखता है, कांच में दिखता है सीधा, ठीक, तो उसको बोल सकते हैं लिटरली इन्वर्टेड, उसका मतलब वो होता है। अगर उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा मतलब ऐसे पलट के नहीं, एम्बुलेंस पहले ए आता है ना और लास्ट में ई आता है, तो पहले ई लिखते हैं ऐसे, मतलब उसको उल्टा करके लिखते हैं और वो आपको कांच में क्या दिखता है, सीधा दिखता है, उसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। और आप भी जाकर मतलब कि नोट्स बनाने के बाद, लेक्चर देखने के बाद, पढ़ाई के बाद घर के सामने खड़ा होकर खूब मस्ती करना, ठीक। इसको नोट्स बना लो अभी। आई होप आप समझ गए होंगे, चीज़ें बहुत आसान हैं। चीज़ें अगर समझ में नहीं आए, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, लेकिन बाय द वे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, बाय द वे अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार देखें, ठीक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, अगर नोट नहीं किए तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, ओके। अब देखेंगे, अब से जो हमें मेन चीज़ पढ़नी है वो आ गया, मतलब ये भी मेन था, मेन मतलब समझने वाली बात थी। अब आ गया स्फेरिकल मिरर, ठीक है, रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण के साथ जो परावर्तन होता है उसके साथ, मतलब गोली दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, अब उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन अगले लेक्चर में देखेंगे। अब से हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर चालू है, ठीक। इम्पोर्टेंट तो सभी है, लेकिन सबसे ज़्यादा यही सब है, ठीक है। तो हेडिंग डालो स्फेरिकल मिरर, हेडिंग डालो स्फेरिकल मिरर गोली दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जिसको बोलते हैं गोलीय, गोलीय दर्पण, क्या बोलते हैं, गोली दर्पण, गोली दर्पण का मतलब समझते हो, गोली दर्पण का मतलब समझते हो, समझाता हूँ अभी, देखो अभी समझाता हूँ, ठीक। गोली दर्पण का मतलब अभी समझा देता हूँ, पहले आप समझा दीजिए मुझे कि गोली दर्पण होता क्या है, सबसे पहले ये समझाइए आप, ठीक। लाइट लाइट लाइट, क्या है ये लाइट, क्या लाइट को आप देख सकते हो, नोट लिखा दूंगा, ठीक। क्या लाइट को आप वेट कर सकते, उसका वेट ले सकते हो, उसका वजन ले सकते हो क्या लाइट का, सोचो। क्या आप लाइट को देख सकते हो, आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूँगा नहीं। क्या आप लाइट को तोल सकते हो, आप बोलोगे यस, मैं बोलूँगा नो, ठीक, नो भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो गोली दर्पण होता क्या है, सुनो, एक बॉल, बॉल देखो ऐसा गोल सा बॉल, ऐसा फुटबॉल देखो, फुटबॉल, फुटबॉल जैसा ही कांच होगा, कांच का होगा एकदम गोला, ऐसे गोला, ऐसे देखो ए, ऐसे गोला, ऐसे पूरा ऐसे गोल रहेगा, ऐसे गोल, ठीक है। पृथ्वी का वो देखो आप जो आता है उसको बोलते हैं, जो पृथ्वी का गोला उस वो ऐसा हो सकता है मिरर, ठीक है, कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर, जैसे फुटबॉल। अब कांच का एक गेंद ले लो, कांच का एक बॉल ले लो, फुटबॉल जितना या उससे बड़ा छोटा कुछ भी, लेकिन गोल होना चाहिए, ऐसे कांच, ऐसे फुटबॉल जैसा, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, पहले समझो, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऐसे तो बता दिया हूँ फिर भी बता दिया, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे, एक गोली दर्पण ऐसे बना रहा हूँ, ठीक, एक गोली दर्पण ऐसे बना दिया मैंने, ठीक है, सही नहीं बना, फिर से बना देते, उसमें यह बन जाएगा, ठीक। एक गोली दर्पण ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, एक गोली दर्पण ऐसे बना दिया, ठीक। ये समझो कि ऐसे गोल है, ठीक है, क्या है, स्फेरिकल मिरर। अब इसको बीच से ऐसे काट दे रहा हूँ,
ऐसे बीच से काट दे रहा हूँ, ये लो खट खट करके ऐसे काट दिया, काट दिया। तो देखो एक हिस्सा ये बना, एक हिस्सा ये बना, ठीक, एक हिस्सा ये बना, एक हिस्सा ये बना, मैंने कितने हिस्से कर दिए, दो। जब पूरा था उसको बोलते हैं गोली दर्पण, स्फीयर का मिरर, मिरर, ठीक है। जैसे ही बीच में से खट खट काट दिया, ठीक है, काट दिया तो कितने हिस्से गए, दो हिस्से हो गए। इसमें से एक बनेगा कॉन्वेक्स मिरर और एक बनेगा कॉनकेव मिरर, एक बनेगा उत्तल दर्पण, एक बनेगा अवतल दर्पण। कैसे बनेगा देखते हैं। ये वाला पार्ट ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ, इसको पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, देख लो, लिख लो, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, ठीक, गोलीय दर्पण, उतार लो, नोट्स कर लो, ठीक है। अब इसको पकड़ के यहाँ कर रहा हूँ और इसको पकड़ के वहाँ, ठीक। ठीक, तो देखो ये है क्या है, जो भी है देख लेंगे, ठीक। और एक टुकड़ा यहाँ है, ठीक। अगर ये टुकड़ा यहाँ लिया के ऐसे जोड़ दूँ तो ये फिर से क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, जिसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, देखो, ठीक। अगर इसके पीछे ऐसे पॉलिश कर दूँ, क्या कर दूँ, पॉलिश, पॉलिश कर दिया मैंने, बहुत पैसे हैं मेरे पास, ठीक, पॉलिश कर दिया, ठीक। और इसके अंदर ऐसे पॉलिश कर दिया, अंदर ऐसे पॉलिश कर दिया, ठीक है। तो देखो इसके इसके बाहर पॉलिश करने से अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा, और इसके अंदर पॉलिश करने से बाहर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, चमकीला हो गया। अब मुझे अपना अगर चेहरा देखना है तो मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे अंदर से, ठीक है, और मुझे इसमें चेहरा देखना है तो मैं ऐसे देखूंगा, ठीक। तो आपको बताया था जिसका अंदर दबा हुआ भाग हो, देखो इसका भाग अंदर दबा हुआ है, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं अवतल, अवतल क्या बोलते हैं, कौन केव, ठीक। और इसको बोलते हैं जिसका उभरा हुआ भाग हो, उसको बोलते हैं उत्तल, क्या बोलते हैं, उत्तल, ठीक है। और इंग्लिश में कौन वेक्स, क्या बोलते हैं, कौन वेक्स, ठीक। ये तो होते हैं दर्पण दो प्रकार के, ठीक। अगर बीच में से एक, देखो आपको एक और बात बताता हूँ, ठीक है। अगर एक एक ऐसे गोला है, ठीक, गोला है तो बीच में उसके क्या रहता है, सेंटर, उसके बीच में क्या रहता है, सेंटर, और ये होता है त्रिज्या, ये होता है त्रिज्या, ठीक है, ये होता है त्रिज्या, ये होता है सेंटर, क्या होता है, ये होता है सेंटर, क्या होता है, सेंटर, ठीक है, ये होता है सेंटर, ठीक। ऐसे ही, ऐसे ही देखो, ये तो पहले गोल था, गोल था, बीच में से काटा तो यहाँ कहीं पे इसका सेंटर होगा। अगर इसको ऐसे जोड़ दूँ तो बीच में देखो ऐसे ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे पूरा गोल बन जाएगा, जब ऐसे गोला बनेगा उसको जोड़ने के बाद तो बीच में क्या आएगा, सेंटर। तो इसको मैं बोल देता हूँ ये है सेंटर, ये क्या है, सेंटर, अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। और ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, ये क्या हो गई, ये यहाँ से ये क्या हो गई, त्रिज्या, ठीक है। अब मैं इसको आगे थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, देखो इसको त्रिज्या, और जब सेंटर, जब सेंटर गोली दर्पण, गोली दर्पण नहीं, जब सेंटर अवतल दर्पण को, जब कोई सेंटर, ठीक है, त्रिज्या अवतल दर्पण या गोली दर्पण को जिस जगह काटती है उसको बोलते हैं पोल, उसको क्या बोलते हैं, पोल, ध्रुव, क्या बोलते हैं, ध्रुव। अभी सब बातें लिख दूंगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ, ऐसे करके, ठीक। तो ये जो लाइन गई इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सभी बातें लिख दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, ठीक है। और देखो इसके और इसके बीच में एक बिंदु होता है, उसको बोलते हैं फोकस, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अभी सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और सी से लेकर आर तक, पी तक की दूरी को बोलते हैं आर, ठीक है, सेंटर ऑफ, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, इसको बोलते हैं केंद्रक, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, इसको बोलते हैं ध्रुव। अभी सारे बातें लिख दूंगा। और जो फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है, फोकस और ध्रुव, उसको बोलते हैं
फोकल लेंथ, इसको स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ। सी मतलब क्या हो गया, सी मतलब होता है सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है, ठीक है, वक्रता केंद्र। एफ मतलब क्या होता है, इस कैपिटल एफ, ठीक है, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस, क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस, क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, जिसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। और पी, पी को बोलते हैं पोल, क्या बोलते हैं, पोल, पोल मतलब ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, ठीक है, दर्पण का ध्रुव। ये जो आर है, आर, आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यू है ये, ठीक है, कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। और जो स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ, इसको फोकस लेंथ नहीं बोलते हैं, स्मॉल एफ को सब गलत पढ़ते हैं इंग्लिश में, फोकस लेंथ बोलते हैं, वो फोकस लेंथ नहीं है, वो होता है फोकल लेंथ, फोकल, फोकल लेंथ, क्या होता है, फोकल लेंथ, फोकस लेंथ नहीं, ठीक है। तो स्मॉल एफ क्या है, वह है फोकल, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस दूरी, क्या होता है, फोकस, फोकस दूरी। तो ये सारी चीज़ें लिख दिया मैंने, ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ, ठीक। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे भी बीच में क्या होगा, सेंटर होगा, ठीक है, बीच में क्या होगा, बीच में होगा तुम्हारा सेंटर, ठीक, ये हो गया सेंटर। अब एक इमेजिनरी लाइन ऐसे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक, ये हो गया, इसको तो ऐसे ही बना देता हूँ एज इट इज, ठीक है। ये हो गया सेंटर, ये हो गया पोल, दर्पण को जिस जगह पे काट रहा है उसको बोलते हैं पोल, और इनके बीच में एक पॉइंट होता है उसको बोलते हैं फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल, ठीक है। और यहाँ के यहाँ तक की दूरी को बोलेंगे आर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की बोलेंगे फोकल लेंथ, ठीक है, फोकस दूरी, इसको वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो यही सारी चीज़ें थी, ठीक, और आयो बस, और ये तो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य फोकस, ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, अरे मुख्य अक्ष, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, सॉरी यहाँ, ठीक। तो वही चीज़ें, बस यही चीज़ें यहाँ भी लिखनी है। तो ये सारा मामला था स्फेरिकल मिरर, फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, कब, जब उसे काटा जाता है। गोली दर्पण मतलब एक फुटबॉल जैसा कांच का, फुटबॉल ऐसे गोल होता है, वैसे एक कांच का बॉल ले लो, वो होता है गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अगर आप उसे बीच में से काटोगे, बीच में से, ठीक है, किससे, बीच में से, तो आपको दो दर्पण, दो दो भाग प्राप्त होगा, एक भाग को बोलते हैं अवतल दर्पण और दूसरे वाले भाग को बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। वो पॉलिश करने के बाद समझ में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पॉलिश सिल्वरी से, ठीक है, इसको, ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, ये क्या कर दिया मैंने, सिल्वरिस, सिल्वरिस, ठीक है, यहाँ भी ये सारी, ये चीज़ें क्या कर दिया, सिल्वरिस, सिल्वरिस, ठीक है, सिल्वरिस, ठीक। तो देखो दो प्रकार की होती हैं, तो जब आप बाहर पेंट करते हो तो अंदर वाला भाग क्या हो जाता है, अंदर वाला भाग हो जाता है रिफ्लेक्टिव, ठीक है, परावर्तन भाग, परावर्तन तल, ठीक है, ठीक है। और उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण, जिसका भाग, जिसका तल दबा हुआ हो, देखो दबा हुआ है, कॉनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा, देखो अंदर ही गुफा जैसा दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और जिसका तल उभरा हुआ है, देखो ये तल, अगर मुझे शीशा में, अगर मुझे उत्तल दर्पण में अपना चेहरा देखना हो तो मैं ऐसे देखूंगा, तो ये उभरा हुआ है, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। और कुछ टर्म होता है, और कुछ टर्म होता है, ठीक है, कुछ टर्म होता है जिसको हमें जानना जरूरी है, जैसे सेंटर, ठीक है, जिसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और आर को बोलते हैं ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और बीच सेंटर सी और पी के बीच में कितना होता है, ये होता है एफ, क्या होता है एफ, उसको बोलते हैं
मुख्य फोकस, उसको क्या बोलते हैं मुख्य फोकस, और एफ और पी के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकस दूरी, ठीक है। ठीक, ये पूरे त्रिज्या की ये दूरी आधी होती है। देखो ये इसके बीच में एफ है, अगर ये आर है तो ये एफ है, तो ये तो इसका पूरा ये आधा ही होगा, ठीक है। अभी इसका फार्मूला लिख दूंगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो सी से हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, एफ से हो गया प्रिंसिपल फोकस मुख्य, अच्छा प्रिंसिपल फोकस है ना, प्रिंसिपल फोकस मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, ठीक है। पी से होता है, पी मतलब इसको बोलते हैं ध्रुव, ठीक। और आर से होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ से होता है फोकल लेंथ, ठीक। यहाँ भी वही चीज़ है, आप इसको लिख लेना, ठीक। और ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण, देखो ये जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी एफ, ये इस त्रिज्या की, त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है, कितनी होती है, आधी। पहला फॉर्मूला एफ बराबर आर बाई टू, एफ बराबर याद कर लो, एफ बराबर होता है आर बाई टू, फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या बटा के दो, फोकस दूरी इज इक्वल टू वक्रता त्रिज्या बटा के दो, ठीक है। ये जो आर होता है और ये जो f होता है, f किसका आधा होता है, r, जितना बड़ा r है उसका आधा f होगा, तो जितना f है वो r का आधा होता है, f बराबर r बाई टू, ठीक। एक और चीज़ होता है, एक और चीज़ होता है दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, उसको भी बता देता हूँ, ठीक, उसको भी बता देता हूँ। तो इसको मैं थोड़ा साइड में लिख ले रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सी, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ F बराबर R बाई टू, देखो ये होता है, इसको मैं आगे थोड़ा बढ़ा, ये होता है दर्पण का द्वारक, ये जो चीज़ है, ये होता है दर्पण का द्वारक, ये क्या होता है, अपर्चर, ठीक है। और हिंदी में बोलते हैं दर्पण का द्वारक, क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक, ठीक, दर्पण का द्वारक, इसको बोलते हैं अपर्चर। मतलब कि दर्पण का मुंह कितना बड़ा है, जैसे देखो ये होता है अपर्चर, ये जो लंबाई है, ये लंबाई, तो यहाँ देखो छोटा अपर्चर है, ये बड़ा अपर्चर, ये और बड़ा अपर्चर, ये और बड़ा अपर्चर, ठीक है। ये देखो इसका अपर्चर, ये जो लंबाई होगी इसका, ये होगा अपर्चर, ठीक है, ये लंबाई। अगर ये देखो ये कौन सा दर्पण है, अगर अंदर से देख रहा हूँ तो कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। तो ये जो लंबाई होगी ये इसका द्वारक है, द्वारक, ठीक है, द्वारक छोटा बड़ा हो सकता है, इसको बोलते हैं अपर्चर, द्वारक, दर्पण का द्वारक, ठीक। आई होप आप समझ गए होंगे। तो सारी चीज़ें बता दिया मैंने, ठीक। एक चीज़ और बताया, एक चीज़ और बचाया, बस पहले इसको नोट करो, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड हो जाएगा, सॉर्ट आउट, ठीक। सारी बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एकदम गोली की तरह इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो इसको वीडियो को पॉज करके पहले नोट कर लो, मैं इसको रेज कर दे रहा हूँ, ठीक। अब देखेंगे नेचर ऑफ मिरर, नेचर ऑफ मिरर, ठीक, रिंग डाल लो, नेचर ऑफ मिरर, ठीक है। दर्पण की प्रकृति, दर्पण की प्रकृति, दर्पण की प्रकृति, ठीक है। देखो प्रकृति, ठीक है, कोई जो कोई, हाँ बेलिया, ठीक, दर्पण की प्रकृति, ओके, दर्पण की प्रकृति। थोड़ा मेरे भाई की जो मेरे साथ रहते हैं उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, हाँ थोड़ा बहुत जुखाम है, तो थोड़ा काढ़ा वाढ़ा बना के पी लेंगे तो तबीयत मस्त हो जाएगी। और आप लोग भी बच के रहे हैं, इस समय मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड बहुत तेज़ फैल रहा है, बहुत तेज़ फैल रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एकदम सतर्क रहें, ठीक। और एकदम अगर आपको हो भी गया तो एकदम अलग हो जाएं, और मास्क लगा के चले, एकदम बढ़िया से काढ़ा वाढ़ा बना के पीते रहें, और चीनी की नहीं भेली की, उसमें तुलसी माता का पत्ती उत्ती सब डाल के मरीचो सब अच्छे से पियो, ठीक है, हाँ।
ठीक, तो नेचर ऑफ मिरर, दर्पण की प्रकृति। ओके, अब सुनो, मामला सीरियस चल रहा है, अरे अपना पढ़ाई का, ठीक है, ये है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण, बोलो यस, बोलो जी सर, यस सर, ठीक है, इसको बाहर से ऐसे पॉलिश कर दिया, बाहर से कर दिया पॉलिश, क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, क्या कर दिया, आग लगा देंगे पॉलिश, ठीक, और इसको अंदर से कर दिया पॉलिश, जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं, ना चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे तुम नहीं, ठीक है, ये होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है, जिसको कहते हैं कॉनकेव, ठीक, ये होता है उत्तल दर्पण, क्या होता है उत्तल, उत्तल दर्पण, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉनवेक्स, क्या बोलते हैं कॉनवेक्स। ओके, अब सुनो, देखो एक लाइट यहाँ से आई, एक लाइट यहाँ से आई, एक लाइट यहाँ से भेज रहा हूँ, एक लाइट यहाँ से भेज रहा हूँ, यहाँ से भेज रहा हूँ, ठीक है, तो देखो यहाँ से भेज रहा हूँ, ठीक, ये होता है इंसिडेंस रे, ये भी इंसिडेंस रे, ये भी इंसिडेंस रे, ये भी इंसिडेंस रे, मतलब आपतित किरण। अब देखो जैसे ही दर्पण से टकराएगी, जैसे ही अवतल दर्पण से टकराएगी, तो ये ऐसे है, देखो यहाँ पे ऐसे है ना, तो ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी ऐसे, ये चली जाएगी ऐसे, ठीक, अरे सॉरी, व्हाट आर आई डूइंग, ठीक है, तो ये चली जाएगी ऐसे, ठीक, ये चली जाएगी ऐसे, ठीक है, ठीक, ये चली जाएगी ऐसे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो ये ऐसे है, तो ये चला जाएगा ऐसे, ये चला जाएगा ऐसे, ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये भी हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, देखो आप समझना बात को, जब कोई किरण आ रही है, एकदम बात को समझो, जब कोई किरण ऐसे आ रही है, तो दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात, बाद में मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करिए, लाइट कन्वर्ज हो रही है, मतलब कि लाइट का इकट्ठा हो रही है, देखो लाइट का इकट्ठा हो रही है, ये ऐसे आई, ये ऐसे इकट्ठा हो गई, एक जगह क्या हो गई, इकट्ठा हो रही है, ऐसे आके इकट्ठा हो रही है, ठीक, तो जो अवतल दर्पण का नेचर है वो लाइट को इकट्ठा करना है, जो अवतल दर्पण का नेचर है वो लाइट को इकट्ठा करना है, तो इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर है इकट्ठा करना, इसका नेचर प्रकृति कैसा है, इसकी प्रकृति है इकट्ठा करना, क्या करना, इकट्ठा करना, ठीक है, क्या करना, इकट्ठा करना, ठीक है। अब देखो एक मैं ऐसे ला रहा हूँ और एक लाइट ऐसे, ठीक है, ये है इंसिडेंस रे, कौन सा इंसिडेंस रे, ये भी इंसिडेंस रे आपतित किरण, और एक किरण ऐसे ला रहा हूँ और एक ला रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये भी है इंसिडेंस रे, ये भी है इंसिडेंस रे, ठीक है, इंसिडेंस रे, तो देखो ये टकराने के बाद देखो ऐसे है ना, ये ऊपर चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, ऊपर, तो ये चली गई ऊपर, ये भी चली गई ऊपर, ठीक है, कहाँ चली गई, ऊपर, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये भी है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये चली जाएगी नीचे, ये भी चली जाएगी नीचे, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे है, ऐसे कहाँ चली जाएगी, नीचे, ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, ये भी है परावर्तित किरण, आर आर से परावर्तित किरण, किरण और आई आर से आपतित किरण, ठीक है, तो देखो उत्तल दर्पण का काम क्या है, देखो ये जब लाइट आई तो इकट्ठा हो गई, लेकिन देखो ये जब लाइट हो रही है तो ये फैला रहा है, ऐसे फैला देगा, क्या करेगा, फैला देगा, क्या करेगा, फैला देगा, ठीक है, देखो ये लाइट आई इकट्ठा हो गई, ये लाइट आई, ये यहाँ, ये यहाँ, ये फैला रहा है, क्या कर रहा है, फैला रहा है, तो इसका जो नेचर है, इसका जो नेचर है, नेचर क्या है, इसका जो नेचर है वो है फैलाना, क्या है, वो है फैलाना, ठीक है, इसका नेचर क्या है, फैलाना, समझ रहे हो, एक मिनट, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, बनकिदा उकवाड़ी, इसका नेचर है फैलाना, ठीक है, तो
इसका नेचर कैसा है, इकट्ठा करना, ये लाइट को इकट्ठा कर देती है, और इसका नेचर कैसा है, फैलाना, ये लाइट को फैला देती है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। तो उत्तल दर्पण का नेचर है फैलाना और अवतल दर्पण का नेचर है इकट्ठा करना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर चीज़ समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। पहले इसको आप नोट कर ले। ठीक है, नोट कर लिए। ठीक, तो अब से अपना बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक चालू हो जाएगा। ठीक है, इस लेक्चर का भी ऐसे तो सभी है, लेकिन अब जो बोर्ड के हिसाब से, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर, ठीक है, देखेंगे जब अनंत से किरण आती है लाइट तो कहाँ इमेज बनता है, फोकस है, मतलब ये सब आगे चल के डिस्कस करेंगे, आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।